됐어. 테스트 가위개 맞는 거 맞아서 가리 맞아 हेलो वैशाख हाय क्या यार पर्शियन कैट पर वीडियो चाहिए ए नूब जरूर जरूर आएगी आएगी हाय नूब एक्चुअल में ये वीडियो होने वाली है खास तौर से हैम्स्टर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आ रही थी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हैम्स्टर्स के ऊपर वीडियो बनाओ तो आए हैं ठीक है तो हाँ तो ऐड देखना अगर वीडियो के ऊपर ऐड आए तो ज़रूर देखना भाई स्किप मत करना तभी अपने को कुछ मिलेगा नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला यूट्यूब की तरफ से ठीक है अरमान खान कैसे है अल्हम्दुलिल्लाह भाई दुआ है तुम लोग की तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैमस्टर्स के बारे में अरमान हाय अरमान हाय अनूप अरमान खान थ्री टाइम लाइफ थर्ड टाइम हाँ भाई थर्ड टाइम है ये अपना फर्स्ट हुआ था घर पे सेकंड हुआ था माहिम और थर्ड यहाँ पे थैंक यू अरमान क्लैरिटी कैसी है आवाज़ और व्यू बराबर दिख रहा है ज़रूर अनूप हम लोग बनाएंगे बहुत ही डिटेल और बहुत ही जल्दी जो है पर्शियन कैट के ऊपर वीडियो आने वाली है तो चैनल के ऊपर बने रहना और 11 लोग आए हैं थर्ड फर्स्ट टाइम होंगे लाइफ में तो ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहना औरों के साथ में शेयर करते रहना अभी फटाफट जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि हैम्स्टर्स क्या है ठीक है हैम्स्टर्स के बारे में क्या नॉलेज है और आज अपने को कौन गाइड करने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो अगर आप लोग लाइव देख रहे हो तो औरों के साथ में शेयर करिए और लोगों को भी बताइए भाई लाइव आया है क्लिफ कमेरो हाय ब्रो मेक अ वीडियो ऑन जिंजर कैट एंड वेयर कैन आई गेट जिंजर कैट मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई है क्लिप तो आप जो है देख सकते हो जिस किसी जहाँ की भी आपको कैट्स अच्छी लगी हो तो उन्हें कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हो अगर जो कुछ भी है क्वेश्चंस आप लोग पूछना चाहते हो पूछ सकते हो बिंदास पूछिए लाइफ का यही मज़ा है यार फुरकान भाई मेरे गाँव में हैमस्टर्स नहीं भेज रहे हैं आप बोलो ना ठीक है बोलता हूँ मैं एक्चुअल में ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि लाइफ स्टॉक है अगर लेके हो गई तो वो लाइफ जो है कभी डेड हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके भी पैसे इनके अकाउंट में आ जाएंगे ये यहाँ पे स्टॉक में अटक जाएंगे और आप लोग के पैसे वहाँ से लॉस हो जाएंगे तो इसीलिए थोड़ा से सोच समझ के एक कंफर्म जो अपना शिपमेंट है उसको देखने के बाद में हम यहाँ से शिपिंग का भी स्टार्ट करेंगे और ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट करना चालू कर देंगे इंशाल्लाह बहुत ही जल्द और लाइव चैट टॉप चैट हाँ तो हाँ भाई अभी शेयर करता हूँ मोस्ट स्टेटस थैंक्स भाई यू आर वेलकम ब्रदर एनी टाइम जो कुछ भी रहेगा आप लोग बिंदास मुझे कांटेक्ट करिए लाइव मोहम्मद वसीम हाय ब्रो हाँ औरों के साथ में शेयर करिए बराबर आ रही है क्लैरिटी सही आ रही है और एक भी यहाँ पे भी लाइव चालू है भाई देख रहे क्लैरिटी सही आनी चाहिए हाउ टू ट्रेन पर्शियन कैट ब्रो ये वीडियो होने वाली है खासतौर से हैम्स्टर्स के ऊपर पर्शियन कैट के लिए अपन एक अलग ही वीडियो बनाएंगे पूरी तरीके से अभी मैं आप लोगों को फटाफट बता दूं कि यहाँ पे अपने को गाइड कौन करने वाले हैं आज फुरकान भाई नहीं है हिबा पेट वर्ल्ड में आज अपने को शाहिद भाई बराबर शाहिद भाई हाँ तो शाहिद भाई अपने को गाइड करने वाले तो वीडियो एंड तक देखिए अभी उनसे रूबरू करा दो आप लोगों को ओके सो ये हमारे शाहिद भाई थोड़ा ऊंचा बोलिए बिकॉज माइक यहाँ पे लगा हुआ है अस्सलाम वालेकुम सभी को मेरे भाइयों को वालेकुम अस्सलाम पर्शियन कैट एडल्ट वीडियो ज़रूर बनेगी अब्बास भाई थोड़ा से वेट करिए आगे फ्यूचर में बहुत सारी बनने वाली है तो शाहिद भाई बताइए राफ्ट हैमस्टर्स सीरियन हैमस्टर्स है ये ओके तो ये इसको लॉन्ग हेयर हैमस्टर्स भी बोलते हैं ये बड़ा प्लेफुल होता है बड़ा प्लेफुल है हाँ वो तो है यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं ये क्यूट भी लगते हैं बराबर ये जो है हैमस्टर्स है क्या प्राइस कोट कर रहे हो आप इसका इसका
450 रुपीज वन पैर है। ओके बहुत अच्छी बात है। सबसे लगता है अभी तक का मैंने जो लीस्ट अमाउंट सुना है पैर का वो 450 का है। तो ये जो है कभी भी हाथ में नहीं आते, अगर आप हाथ में रख रहे हो तो नहीं उसको डाल देते शायद भाई। ये तो हाथ में टिकते ही नहीं, टिकते नहीं है बराबर, ये हाथ में टिकते नहीं है। और इनके बारे में कुछ अगर आप इन्फॉर्मेशन दें तो क्या शायद भाई इसकी लाइफ स्पैन क्या होती है? लाइफ स्पैन इनकी तो 3 साल से 3.5 साल से 4 साल तक होती है। 4 साल तक इनकी लाइफ स्पैन जाता है। ओके और ये इजी टू ब्रीड है? इजी टू ब्रीड है, मंथली वन हाँ इनको तो एक 2 महीने में एक ब्रीड लग जाएगा आराम से। 2 महीने में एक ब्रीड तो आराम से लग जाएगा। 2 महीने में कितने महीने रहना स्टार्ट करते हैं? After 2-3 months they'll start breeding. Okay. So क्या फूड इनको देना चाहिए? इनके मिलेट्स आते हैं, प्लेट्स आते हैं, इनके हाँ सब्जी दे सकते हैं। हम्म, इनको कॉलीफ्लावर, अच्छा ये सनफ्लावर सीड्स, ये वाला सनफ्लावर सीड्स, ऐसे सनफ्लावर सीड्स, हम्म, ये सब दे सकते हैं। इनको वेजिटेबल्स में कुछ भी दे सकते हैं और ये वेजिटेबल्स आराम से खा लेंगे। वेजिटेबल्स आराम से खाते हैं, मतलब कोथमीर पुदीना जैसा जो भी है घर पे वो सब चीज चल जाता है। सब कुकुम्बर, कुकुम्बर भी खाते हैं ये। ओके अच्छा ये जो है भाई बॉम्बे में डिलीवर करते हैं क्या? बॉम्बे में डिलीवर होगा भाई, बट जो है ट्रांसपोर्ट का थोड़ा इशू है। एक बार वो सॉर्ट आउट हो जाए तो उसके बाद में मैं वीडियोज में मैं खुद ही आपको अपडेट दे दूंगा कि भाई अभी ट्रांसपोर्ट के लिए सही है। और क्वालिटी, क्वालिटी आ रही है बराबर। सो और क्या जानना चाहोगे भाई? जो भी है कमेंट करो बिंदास। ये अपने पास में कौन सा बोले? सीरियन, सीरियन हैम्स्टर्स, लॉन्ग हेयर हैम्स्टर्स। ओके लॉन्ग हेयर हैम्स्टर्स बोलते हैं इसको। चिराग नागपाल, इज दे डिलीवर टू दिल्ली प्लीज? दिल्ली के लिए डिलीवर, पता नहीं, बहुत जल्दी अपडेट करेंगे आपको ट्रांसपोर्ट का क्या सीन है, ठीक है। और ये कुछ यंग वन से हमारे पास में, ये ड्राफ्ट हैम्स्टर्स बोलते हैं इसको, ड्राफ्ट हैम्स्टर्स। ओके बहुत ही छोटे छोटे हैं, मतलब ये साइज में और गेन होते हैं? हाँ ये साइज में थोड़ा गेन होते हैं आराम से। ओके 4 इंच का हो जाएगा, ये 4 इंच तक का जाता है, हो जाएगा और अच्छा मोटा भी होगा। अच्छा अभी तो ये बेबीज हैं, बेबीज हैं अभी। ओके तो 30 डेज के बेबीज हैं आराम से, 30 डेज के बेबीज है, 30 डेज के बेबीज हैं ये। ओके ये भी बड़े क्यूट से हैं, हाँ हाँ, और बहुत ही प्लेफुल होते हैं ये। अच्छा क्या नाम बताया आपने इनका? ड्राफ्ट हैम्स्टर्स, ड्राफ्ट हैम्स्टर्स। ये एक्चुअल में रैट की जाति के मतलब है लोग, क्योंकि एज इट इज सेम टाइप में दिखते हैं रैट्स के जैसे। ये तो रैट की कम्युनिटी से आते हैं ना, ये रैट्स की कम्युनिटी से आते हैं, कम्युनिटी से हैं ये। राइट ओके तो इनका क्या प्राइस कोट कर रहे हो आप? इनका भी 350 लगा दूंगा, 350 रुपीज। ओके तो ये यंग वंस है तो 350 रुपीज, और 450 या 500। ओके जो अडल्ट है 450-500 और जो यंग वंस है उनका आगे 350 रुपीज है। ओके तो और कुछ बताना चाहेंगे शायद भाई? गर्बल्स भी हैं, आपको अपनी गर्बल्स भी कवर करना चाहिए तो आप गर्बल्स भी कर सकते हैं। गर्बल्स, हाँ गर्बल्स क्या रहते हैं ये? ये भी एक रकम का चूहा है, ये रैट है ये, गर्बल्स इसको रैट नहीं बोलते हैं, हाँ गर्बल्स बोलते हैं, गर्बल्स हाँ गर्बल्स बोलते हैं, मतलब ये रैट्स की जाति के हैं। हाँ रैट्स की जाति के हैं बट डिफरेंट एंड फ्रॉम द स्टार्ट दे ओंट बाइट। ओके दे ओंट डू एनीथिंग, अच्छा ये बाइट भी नहीं करते, भी नहीं करते। ओके ये वाइट गर्बल्स है, गर्बल्स अच्छी बात है। 8 मिनट हो गए यार अपने को लाइफ आके, काफ़ी ज़्यादा सही हो गया, और लाइफ भी जो है 14 पीपल, करेक्ट है यार, सही है। ये गर्बल्स है, ओके ये माइस है, ये माइस है। ओके इनमें और उनमें क्या डिफरेंस होता है? इनमें तो ये कतर देते हैं, हाँ हाँ, इनमें तो ये कतरते नहीं। ओके ये बाइट नहीं करते, बाइट ही नहीं करते, बाइट नहीं करते। इन्हें क्या फीड करना चाहिए? इनको भी सेम मिलेट्स वेजिटेबल्स, मिलेट्स वेजिटेबल्स सब खाते हैं ये भी। और ये रैट्स, ये रैट्स भी वही खाते हैं। ओके सो इनकी, इनका क्या लाइफ स्पैन रहता है व्हाइट रैट्स का? व्हाइट रैट्स का तो वही 3 साल से 4 साल, सभी रैट्स का लाइफ स्पैन एक ही होता है, लाइफ स्पैन एक ही रहता है 3 से 4 साल का। ओके ये भी उनके ही जात में, मतलब क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इन दोनों में तो ये तो मैस कहलाते हैं, ये तो बाहर कंट्री के गर्बल्स हैं, ये गर्बल्स है। ओके ये तो पैदाइशी कतरने लगते हैं, हाँ हाँ, ये तो पैदाइशी कतरते नहीं। ओके ये बाइट नहीं करते, बाइट मतलब नहीं करते। ओके तो इनका क्या, ये साइज में और बड़े होते हैं? ये साइज में थोड़े थोड़े बड़े होते हैं। ओके साइज में और थोड़े बड़े होंगे, और थोड़े बड़े। क्या प्राइस भी इनका कोट कर रहे हो गैब्रियल का? इनका 800 रुपीज का पैर, 800 रुपीज का पैर है। और ये माइस का? माइस का 200 रुपीज का पैर, 200 रुपीज का पैर है। ओके
गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करें, लाइव आ रहे हो लाइक भी कर दो यार, आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब भी दिए जाएंगे, कुछ भी क्वेश्चंस है आप लोग पूछिए, बिंदास हो के पूछिए। तो ये चीज़ें हैं और इनके पास में कुछ और अपडेट किया है भाई आपने शॉप में? अभी शॉप में तो कुछ भी नहीं है स्टॉक, इंशाल्लाह स्टॉक आने से तो आपको अपडेट कर देंगे, स्टॉक आने से आप लोग अपडेट कर दोगे। ओके सो क्या बोलता भाई आप बताओ भाई, ये गर्बिल्स अच्छे लगे ना? हाँ गर्बिल्स सही है, गर्बिल्स भी सही है, माइस भी सही है। ओके तो ये जो था इनके पास में स्टॉक था हैमस्टर्स का, तो मैंने बोला कि लाइव आके एक बार आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, तो आप लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा। हैमस्टर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान से भी कमेंट्स आए कि भाई ये हैमस्टर्स होते क्या हैं, पाल सकते हैं या नहीं। ओके ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे जो जो स्टॉक था जो जो क्या जो हैमस्टर्स के बारे में जो कुछ भी आप बताना था जो कुछ आप लोगों को पूछना था तो वो पूछा, मैंने जवाब दे दिया है। ठीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये लाइव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर ले, शायद भाई कुछ बोल दो तुम, लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें, शेयर करें और कुछ हासिल हो जाएगा, सब हासिल हो जाएगा भाई। इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहना अपने चैनल के ऊपर। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल दैट टाइम राइट सेफ बी सेफ, रिस्पेक्ट योर मॉम एंड रिस्पेक्ट योर फैमिली एज ऑलवेज, अल्लाह हाफिज़। हाँ सब दे दिए रोल।